Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that nowadays I'm revising the chapters of evaluation 3. I have already revised chapter 13 for you and I'm revising chapter 14. Explanation of the chapter is already done and I have started the exercise of the chapter. Not the exercises that are given at the end of the chapter, but I have framed exercises from the content of the chapter. जो भी मैंने आपको explain किया, जो explanation दिया है chapter का about characteristics of animals, characteristics of birds, types of animals, big and small animal, pet and domestic animals, wild animals, milch animals, mammals, then amphibians, reptiles, aquatic animals, insects, rodents, birds, जो भी पढ़ाया है उन्हीं में से मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज फ्रेम किया था और वो मैंने पिछले दो वीडियो में आपको वो करवाया है. आज के वीडियो में भी हम एक्सरसाइज ही करेंगे ऑफ द चैप्टर. चिल्ड्रन, एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है जो आपके बुक से ही है. बुक में उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं है, जैसे एनिमल्स एंड देयर बेबीज, animals and their homes. In the content it is not mentioned, but in the exercise it is given. So today I will be doing that exercise for you. Animals and their babies, animals and their homes. और उसके साथ हम एक आध एक्सरसाइज और करेंगे if the time permits, and that will be related to sorting animals in their proper category. That we will do the last exercise. Let's start with animals and their babies. Children, we know that all the animals reproduce, all the animals have their young ones, whether they lay egg or they give birth to babies. चाहे वो अंडे दे और उस अंडे में से बच्चे निकले या फिर वो बच्चे दे, सभी animals के babies होते हैं, उनके young ones होते हैं. All animals reproduce. तो उसी से related है ये exercise. Animals हम जानेंगे और फिर उनके babies को क्या कहते हैं वो जानेंगे. कुछ कॉमन एनिमल्स लेंगे, कुछ वाइल्ड एनिमल्स लेंगे, कुछ डोमेस्टिक, कुछ पेट एनिमल्स लेंगे और जानेंगे कि उनके बेबीज को हम क्या बोलते हैं, उनके बेबीज को हम किस नाम से बुलाते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. एनिमल्स बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज. चलिए, तो सबसे पहले हम जो है आपके कॉमन वन ले लेते हैं, कुछ पेट एनिमल्स को ले लेते हैं. पहले सबसे पहले आप ले लेते हैं डॉग, बिकॉज डॉग इज अ वेरी कॉमन पेट एनिमल. डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, यू ऑल नो, डॉग्स बेबी इज कॉल्ड पपी या पप. पप भी बोलते हैं और पपी भी बोलते हैं. सो यू राइट पपी, और डॉग्स बेबी इज कॉल्ड पपी. नेक्स्ट इज कैट, और कैट्स बेबी इज कॉल्ड किटन. कैट्स बेबी इज कॉल्ड किटन. नाउ लेट्स टेक सम डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल में है काउ, एंड काउस बेबी इज कॉल्ड काउ. काउस बेबी इज कॉल्ड काउ. Children, there are few animals whose babies are called calf. और भी कई animals हैं जिनके baby को हम calf कहते हैं, जैसे buffalo के baby को भी calf कहते हैं, elephant के baby को भी calf बोलते हैं और camel के baby को भी calf बोलते हैं. अभी तो मैंने cow का लिखा है, but I am telling you that elephant's baby is also called calf, camel's baby is also called calf and buffalo's baby is also called calf. Next is goat. Goat's baby is called kid. Goat ke baby ko bolte hain kid, K-I-D, kid. Next domestic animal is horse, and baby of horse is called colt, C-O-L-T, colt. Horse baby is called colt. Then we have, let's take other animals.
डोमेस्टिक एनिमल में हमारे काउ गोट और गॉट्स हो गए. लेट्स टेक सम वाइल्ड एनिमल दैट इज लायन. लायन्स बेबी इज कॉल्ड कब. नाउ चिल्ड्रन, टाइगर्स बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड कब. लेपर्ड्स बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड कब. जो कैट फैमिली वाले जो बिग एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, इन सबके बेबीज को कब बोलते हैं. ठीक है, दे और आर कॉल्ड कब. देन कमिंग टू नेक्स्ट एनिमल इज डियर. एंड डियर के बेबी को बोलते हैं फॉन, FAWN. डियर्स बेबी इज कॉल्ड फॉन, FAWN, फॉन. देन वी हैव एनिमल पिग. पिग लेते हैं और पिग की बेबी को बोलते हैं पिगलेट. बेबी ऑफ पिग इज कॉल्ड पिगलेट. ओके, पिग्स बेबी इज कॉल्ड पिगलेट. एक बार आप चेक कर लीजिए, डॉग्स बेबी पपी, कैट्स बेबी इज किचन, काउस बेबी इज काफ, गोट्स बेबी इज किड, हॉर्स बेबी इज कॉल्ड कॉल्ड, फोल भी बोलते हैं, हॉर्स के बेबी को फोल भी बोलते हैं. कॉल्ड एंड फूल बोथ आर करेक्ट. लायंस बेबी इज कॉल्ड कब. डियर्स बेबी इज कॉल्ड फॉन. पिग्स बेबी इज कॉल्ड पिगलेट. लेट्स टेक सम मोर एनिमल्स. कुछ और एनिमल देख लेते हैं. जैसे कि अब स्वैन जो होता है, हंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो जो स्वैन का बेबी होता है उसे सिग्नेट बोलते हैं, CYGNET. उसे सिग्नेट भी कहा जाता है, फ्लैपर भी कहा जाता है. कॉमन जो है वो सिग्नेट है, SWAN. स्वैन के बेबी को बोलते हैं सिग्नेट, CYGNET. ये है स्वैन का बेबी. फिर उसके बाद है मंकी. मंकी की बेबी को क्या बोलते हैं? इन्फेंट. मंकी बेबी इज कॉल्ड इन्फेंट. एलिफेंट, आपको मैंने बताया था, एलिफेंट की बेबी को भी काफ ही बोला जाता है, CALF. एलिफेंट बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड काफ. देन नेक्स्ट इज मैंने लायन का आपको बताया था कि लायन, लेपर्ड, टाइगर, इन सब की बेबी को बोला जाता है कब. इन सब की बेबी को कब ही बोला जाता है, CUB, कब. ओके, देन बटरफ्लाई. चिल्ड्रन, बटरफ्लाई का जो बेबी है वो एक्चुअली में कैटरपिलर होता है, या लार्वा भी बोलते हैं. लार्वा बोलते हैं या कैटरपिलर बोलते हैं, क्योंकि कैटरपिलर जो है वो आपके लिए एक सुना हुआ नाम है, इसलिए मैं कैटरपिलर लिखूंगी. कैटरपिलर, कैटरपिलर और लार्वा यूनिट से इज द बेबी ऑफ बटरफ्लाई. नाउ यू कैन गो थ्रू इट. शीप, लैम, हेन, चीक, चिक, डक, डकलिंग, फिश, फिंगरलिंग, स्वैन, सिग्नेट, मंकी, इन्फेंट, एलिफेंट, काफ,
butterfly, caterpillar. Then those are all declining. Another animal is kangaroo. कैंगरू की बेटी को बोलते हैं जोई, J-O-E-Y. कैंगरू की बेटी इज कॉल्ड जोई. नेक्स्ट इज फ्रॉग. फ्रॉग की बेटी को क्या बोलते हैं? टेडपोल. फ्रॉग्स बेबी इज कॉल्ड टेडपोल. ये थोड़े से अनकॉमन वाले भी लिए जा रहे हैं कि आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो फ्रॉग के बेबी को बोलते हैं टेडपोल और कैंगरू के बेबी को बोलते हैं जोई. ठीक है. देन वी हैव ऑलमोस्ट मैंने जो इजी वाले हैं वो भी ले लिए हैं और कुछ जो थोड़े से डिफरेंट है वो भी ले लिए हैं. एक बेयर को लेते हैं. बेयर के बेबी को भी कब बोलते हैं? बी ए बेयर भालू जो होता है उसके बेबी को भी कब बोलते हैं. टाइगर का बेबी है तो भी कब है. लेपर्ड बेबी है वो भी कब है. ठीक है. ये तीनों की बेबी जो है वो कब है. लायन बेबी भी कब है. इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रही हूँ आपको. मैंने ऑलरेडी तो बताया था. एक बार लिख के भी आपको बता दिया है कि ये सबके बेबी को कब बोला जाता है. तो ये हो गया हमारे एनिमल्स एंड देयर बेबीज. चलो अब इनके होम्स वाला देख लेते हैं. एनिमल्स एंड देयर होम्स. Animals and their homes. Animals and homes. सबसे पहले लेते हैं डॉग ही ले लेते हैं. डॉग कहाँ रहता है? डॉग के घर को क्या कहते हैं? डॉग्स होम इज कॉल्ड कैनल. कैनल. डॉग्स होम इज कॉल्ड कैनल. कैट. Cat lives in a basket और यू कैन कॉल इट कैट हाउस. कैट हाउस भी बोलती होता है और बास्केट में भी रहती है कैट. देन नेक्स्ट इज एलिफेंट. एलिफेंट का होम होता है फॉरेस्ट. कोई अलग से घर बनाकर नहीं रहता है एलिफेंट. एलिफेंट के घर को बोलते हैं फॉरेस्ट. Then we have cow. Home of cow is shed. Cow lives in shed. Horse. Horse lives in stable. Horse के घर को बोलते हैं stable. अच्छा आपने सोचा insect ant. Ant के घर को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट एंट का जो घर होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलोनी और एंट हिल. उसको एंट हिल भी कहा जाता है या कॉलोनी भी बोला जाता है. वी कॉल इट एंट हिल. ओके. एंट लिव्स इन एंट हिल. देन वी हैव हेन. हेन लिव्स इन कूप. हेन को घर को कहा जाता है कूप. हेन लिव्स इन कूप. Then pig. Pig. Pig lives in stick. S-T-Y. Pig के घर को बोलते हैं stick. Check it out. एक बार देख लीजिए. Dog, kennel. Sorry, spelling. K-E-N-N-E-L. Dog's house is called kennel. Cat's house is called basket. Elephant's house is forest. Cow's home is called shed. Horse lives in stable. Ant, ant's home is called ant hill. Hen lives in coop and pig lives in stick. कुछ और animals देखते हैं. Next is lion.
तो लायन लिव्स इन डेन. देन रैबिट, रैबिट लिव्स इन बरो. रैबिट के घर को बोलते हैं बरो. स्नेक, स्नेक लिव्स इन होल, बिल जिसको बोलते हैं वो, या स्नेक होल बोल सकते हैं या सिर्फ होल भी बोल सकते हैं. देन शीप, जो भेड़े होते हैं शीप, उनके होम को क्या कहते हैं आपको पता है? पेन. यस, पी एन, पेन. अजीब सा है ना, शीप के घर को बोलते हैं पेन. बी, जो मधुमक्खियां होती हैं वो कहाँ रहती हैं? बी हाइव, उनके घर को कहा जाता है बी हाइव. दे लिव इन अ हाइव एंड इट इज कॉल्ड बी हाइव. देन फिश, वॉटर लिख सकते हैं, एक्वेरियम लिख सकते हैं, उनका घर पानी है ना. मछली जल की रानी है, जीवन उनका पानी और घर भी उनका पानी है. घर में हम रखते हैं तो एक्वेरियम होते हैं. एक्वेरियम और वॉटर इज द होम ऑफ फिश. देन वी हैव मंकी. मंकी कहाँ रहते हैं? ट्री. मंकी जो है उसका घर है ट्री. डक, डक कहाँ रहते हैं? पॉन्ड्स. डक जितने भी डक हैं दे लिव इन पॉन्ड, और रिवर में भी दिखते हैं लेकिन पॉन्ड इज कॉल्ड द होम ऑफ डक. देन वी हैव बर्ड. इतना पहले आप देख लीजिए फिर मैं आगे और बढ़ाऊंगी. लायन, डेन, रैबिट, बरो, स्नेक, होल, शीप, पेन, बी, बी हाइव, फिश, वॉटर और एक्वेरियम, मंकी, ट्री, डक, पॉन्ड. Now let's take some more animals. Let's take a few more birds. Nest, spider, web, mouse, hole, tiger, cave or den. So these are few birds. जो भी birds हैं, maximum birds they live in nest. Spider makes its web, अपना एक web बनाता है. Mouse जो है वो hole में, mouse hole जो होता है उसमें रहता है या रहती है. Tiger जो है वो cave में या फिर den में रहता है. तो these are homes of some animals. कुछ animals के homes को हमने discuss किया. Now let's take another exercise. One more exercise is left to be done and then we will complete the chapter. Children, the exercise is you have to put the animals in their correct category. जो कैटेगरी के हिसाब से उन्हें सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, लेट्स डू दैट. Thank you.
पहले हम ग्रुप्स इधर मैं आपके लिए बना देती हूँ. विल हैव ग्रुप ऑफ फर्स्ट वन इज बर्ड्स reptiles insects domestic animals and aquatic animals. कैटेगरीज जिसमें आपको एनिमल्स को डालना है. नाउ आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ एनिमल्स टू दिस साइड. यहां पर हम रखेंगे लिस्ट ऑफ एनिमल्स. ठीक है, मैं बात कर रही हूं. ओके, नाउ द एनिमल्स दैट यू हैव आर ऑक्टोपस. Next one is crow, lizard, scorpio, cow, pigeon, parrot, tortoise, mosquito, dolphin, goat, chameleon, then we have parrot. पहले इतना कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ एनिमल्स बिकॉज यहां पर उतनी जगह हमारी नहीं है. लेट्स टेक द फर्स्ट वन, ऑक्टोपस. चिल्ड्रन, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? इट इज एन एक्वाटिक एनिमल. सो विल राइट हियर ऑक्टोपस. ओके, नेक्स्ट वन इज क्रो. चिल्ड्रन, क्रो इज अ बर्ड. जो जो होते जाएगा उसे हम कट करते जाएंगे. नेक्स्ट इज लिजर्ड. चिल्ड्रन, लिजर्ड इज अ रेप्टाइल. नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियन भी लोग बोलते हैं. वो क्या है? इंसेक्ट. स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियन. नेक्स्ट वन इज काउ. चिल्ड्रन, काउ इज अ domestic animal. Next is pigeon. Pigeon is a bird. Next is parrot. Parrot is again a bird. Next one is tortoise. Children, tortoise is a reptile. So we'll write here TORTOISE. Some children call it tortoise. Yeah, tortoise. It is a wrong pronunciation. It is called tortoise. Pronunciation is tortoise. So tortoise is a reptile. Next is mosquito. Mosquito. Mosquito is insect. Mosquito is an insect. Next is dolphin. Dolphin is water animal, aquatic animal.
next is goat. Children, goat is a domestic animal. It is useful for us. It gives us meat. It gives us milk. It is a domestic animal. Next one is chameleon. Chameleon is a reptile. Next is sparrow. Sparrow is a bird. Next is horse. And horse is a domestic animal. It is used for riding. It is used for carrying loads. Then crocodile. Crocodile kya hai? Crocodile is a reptile. Next is whale. Whale is a water animal. It is a mammal and it lives in water. Then next is donkey. Children, donkey kya hai? Donkey is a domestic animal. It is used for carrying heavy loads. And finally, we have a snake, and snake is a reptile. So insect हमें दो ही नहीं मिले हमें domestic animals 4 मिले, aquatic animals 3 है, reptiles is 5 and 4 birds. Maximum हमको reptiles मिले. So we have put them in their correct group, correct category में हमने इन्हें डाल दिया है, ठीक है? So with the given exercise आपकी over हो गई. इसी की तरह एक और हम एक्सरसाइज लेंगे जिसमें कि सॉर्ट आउट करना है आपको एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हर्बीवोर कार्निवोर एंड ओमनीवोर. ठीक है, एक वो कर लेंगे एंड दिस विल कम टू एंड ऑफ द एक्सरसाइज. Let's do one more. एक और कर लेते हैं एक्सरसाइज एंड दैट इज क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स. These are the three categories and let's put them in the correct order. First one is cow. Children, cow is a herbivore.
काउ हर्बीवोर है, वो घास खाती है, प्लांट खाती है, इट नेवर ईट्स फ्लैश, कभी भी काउ फ्लैश नहीं खाती है. देन कम्स मंकी. चिल्ड्रन मंकी इज ऑल्सो हर्बीवोर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता है, सो मंकी इज ऑल्सो अ हर्बीवोर. चीता, चीता इज अ, हम कट करते जाते हैं जो जो हो जाता है, चीता इज अगेन अ कार्निवोर. क्रो, क्रो इज ओमनिवोर, क्रो मीट भी खाता है और रोटी भी खाता है. नेक्स्ट इज टाइगर, टाइगर इज कार्निवोर. फॉक्स, फॉक्स इज अगेन अ कार्निवोर. बेयर, बेयर इज ओमनिवोर, दोनों चीजें खाता है. शीप, शीप इज हर्बीवोर. डॉग इज ओमनिवोर, दोनों चीजें खाता है. लायन कार्निवोर. कैट ओमनिवोर. एंड डियर हर्बीवोर. जो भी हमने कैटेगरी डिसाइड की है, हमें पुट द एनिमल्स इन द प्रॉपर कैटेगरी. काउ, मंकी, शीप, डियर, दे आर हर्बीवोर्स. दे ईट प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेरियन फूड. कार्निवोर्स, दे ईट फ्लैश, मीट. दे ईट अदर एनिमल्स. एंड ओमनिवोर, दे ईट बोथ, दे आर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन. दे ईट वेजिटेरियन फूड एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड. सो इन दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया. एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ. ओके, थैंक यू.